आम लोग राजनीति और युद्ध को अलग अलग देखते हैं, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने से ठीक पहले चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने कहा था कि युद्ध भी राजनीति का विस्तार ही है, पॉलिटिक्स बाय डिफरेंट मींस। माओ के मुताबिक जब सामान्य राजनीति से आगे बढ़ना संभव ना हो तो राजनीति के रोड़े हटाने के लिए युद्ध छेड़ा जाता है। इसीलिए समझौते की टेबल पर जानबूझकर कुछ मुद्दे ऐसे छोड़ दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल राजनीति को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए किया जाता है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जाल, इंक्रीज इन इन्वेजन्स। बारूद के ढेर वाला ऐसा ही एक इलाका है आर्मेनिया अजरबैजान का बॉर्डर। पूर्वी यूरोप और पश्चिम एशिया की क्रॉसिंग लाइन पर बसे ये दोनों देश एक बार फिर वॉर मोड में आ चुके हैं। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई राजनीति, कूटनीति और रणनीति के उलझे हुए रिश्तों की पेचीदा कहानी है। १९२२ से १९९१ तक आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा थे, जो अच्छे पड़ोसियों की तरह रहते थे। लेकिन सोवियत संघ के विखंडन से पहले ही आर्मेनिया और अजरबैजान के रिश्तों में नफरत और दुश्मनी के बीच पड़ गए, जिसकी वजह बना 4,388 वर्ग किलोमीटर में फैला नागोर्नो काराबाख नाम का इलाका, जो अजरबैजान का हिस्सा था, लेकिन वहां आबादी आर्मेनिया मूल के लोगों की ज्यादा थी। सोवियत संघ के टूटने की आहट मिलते ही आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर दावा ठोक दिया और 1988 में आर्मेनिया की सेना ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने के लिए अजरबैजान पर हमला भी कर दिया। 6 साल से ज्यादा लंबी लड़ाई में आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिक और आम लोग मारे गए। आर्मेनिया और अजरबैजान में रूस ने 1994 में जो सुलह कराई वो कभी टिकाऊ नहीं रही। नागोर्नो काराबाख में दोनों देशों की झड़प चलती रही, जो 2020 में खुली जंग में बदल गई। २७ सितंबर २०२० डेढ़ महीने तक आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण घमासान हुआ और इस बार भी दोनों देशों को शांत कराने के लिए रूस को ही सामने आना पड़ा। रूस ने नागोर्नो काराबाख में आर्मेनिया मूल के लोगों की सुरक्षा की गारंटी के तौर पर अपने 2000 सैनिक भी तैनात कर दिए, लेकिन 2020 की लड़ाई संकेत दे चुकी थी कि आर्मेनिया और अजरबैजान अब ग्लोबल पावर गेम का मोहरा बन चुके हैं। सोवियत संघ से अलग हुए देशों को अमेरिका, यूरोप और नेटो से दूर रखने के लिए रूस ने 1994 में CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। CSTO में रूस के अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे, लेकिन 1999 में जॉर्जिया और अजरबैजान ने खुद को CSTO से अलग कर लिया। आर्मेनिया उसके बाद रूस का भरोसेमंद पार्टनर बन गया, हालांकि रूस ने अजरबैजान के साथ भी संतुलन बनाए रखा। अजरबैजान की मजबूरी भी थी क्योंकि उसकी सीमा सीधे रूस के साथ जुड़ी है और वो रूस जैसी ताकत के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। लेकिन 2020 में आर्मेनिया के साथ जंग के दौरान अजरबैजान ने अपने लिए नया रणनीतिक पार्टनर ढूंढ लिया था। उसने नेटो के सदस्य तुर्की से अपनी दोस्ती मजबूत कर ली थी, इतनी मजबूत दोस्ती कि आर्मेनिया से जंग के लिए उसे ड्रोन भी तुर्की ने दिए और तुर्की के रास्ते ही सीरिया से भाड़े के लड़ाके भी अजरबैजान पहुंचने लगे। हालांकि सीरियाई लड़ाकों की बात तुर्की और अजरबैजान ने कभी नहीं मानी।
अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में जो कूटनीतिक हेमेबंदी दिखी वो बेहद हैरतअंगेज और उलझी हुई थी। नेटो के नाम से रूस के बिदकने की बात जानते हुए भी अजरबैजान सीधे नेटो के सदस्य तुर्की से मदद ले रहा था, तो दूसरी ओर रूस के साथ सीएसटीओ में शामिल आर्मेनिया के समर्थन में यूरोप के देश लामबंद हो रहे थे, जबकि यूरोप के साथ भी रूस का रिश्ता तल्खियों भरा था। इसलिए आर्मेनिया पर अजरबैजान के मौजूदा हमले की टाइमिंग को सामान्य नहीं माना जा रहा है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जब रूस खुद यूक्रेन में फंसा हुआ है और 2020 में आर्मेनिया से हमदर्दी रखने वाले यूरोप के देश यूक्रेन के पीछे अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। कूटनीति के जाल में अमेरिका और यूरोप भी उलझे हुए हैं, क्योंकि वो अगर आर्मेनिया का समर्थन करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अजरबैजान के साथ साथ तुर्की का भी विरोध करना पड़ेगा, जो नेटो का सदस्य है और पहले से ही विद्रोही तेवर दिखा रहा है। आर्मेनिया के सामने संकट ये है कि वो अब भी रूस का रणनीतिक पार्टनर है और इसीलिए वो अजरबैजान के हमलों से अपनी रक्षा के लिए रूस की ही शरण में है। कूटनीतिक पहेलियों को सुलझाना सबसे मुश्किल काम होता है। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई ने अब एक नई पहेली दुनिया के सामने पेश कर दी कि अजरबैजान अगर नेटो के सदस्य तुर्की के साथ है तो क्या वो रूस के खिलाफ है। आर्मेनिया अगर सीएसटीओ में रूस के साथ है तो अमेरिका और यूरोप से वो किसी तरह की मदद की उम्मीद कैसे कर सकता है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।